विरोध कानूनों का था या सरकार का था? सरकार का था, सरकार ने लाए कानून आप पे आए नहीं, कानून घुसा रेल में बैठा, रेल में तो बैठा था, कानून होता हुआ आया। जो जीत हुई इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मेरे भाई जो हमारे किसान साथी 800 शहीद हुए हैं। यही नहीं सर इसका, अरे प्रधानमंत्री इसका कहा लोग माया को पूछना हमने भेजा भी नहीं, तेजा फार्मेसी से कल्ला बन जिंदा ने और कड़ा पड़ा गई 20 एकड़ पूछ लिया कोठड़ी में इसकी में इसकी दादी ने भी कहा था मेरा खांदिया ना लागू मेरा केवल आकर जो इसकी खुद की दादी ने कहते मेरा खांदिया ना लागे। ये विरोध तो था कानून का, देख कानून गलत है तभी तो लड़े, लेकिन सरकार ने इतने जख्म कर दिए भाई, बस मारे मतलब सरकार गला खींच भी नगी यूपी और लेकर आवांगे भाई नाश तोड़ा भी रगड़ेगा नुकसान तो कर खाऊ बीजेपी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं हरियाणा चल। साथियों, उचाणा में हाँ दुष्यंत चौटाला गड और करसिंधु गांव के युवा साथी हैं जो लगातार सक्रिय हैं। एक साल से आंदोलन चला था और मोदी जी का जी ने घोषणा की है कि तीनों कानून वापस लेंगे, तो उसी को लेकर दुष्यंत चौटाला जी लगातार पोस्ट डाल रहे हैं कि मैंने लगातार प्रयास किया था कानूनों को लेकर, लगातार मैंने मीटिंगें भी की है केंद्रीय मंत्री से भी मोदी जी से भी, और हमारा प्रयास है जो सफल रहा और तीनों कानून वापस लेने की मोदी जी ने घोषणा की है, तो उसी को लेकर करसिंधु से किसान हैं जो लगातार किसान आंदोलन बने हुए हैं, इनसे बात करांगे कि किसानों का संघर्ष है जो उसकी जीत हुई है या जो दुष्यंत चौटाला ने लगातार प्रयास किया था उसका परिणाम है। राम राम भाई साहब। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम साथियों। भाई साहब पहले तो ये बताओ, और जो मेरे चाचा ताऊ माता बहनों ने मेरे साथियों ने दिल्ली की सड़कों पर या हरियाणा पंजाब के अंदर सड़कों पर सर्दी में गर्मी में टाइम गुजारा है, जो पुलिस की लाठी अपने बदन पर खाई है, वह उन साथियों को श्रेय है इसका, और उन साथियों को श्रेय है जिसने अपने घर से चाय चीनी की चम्मच दी या अपना उसने लाखों रुपए लगाए, वह सबसे जो आम जनता का उसका उसको श्रेय है। कितनी खुशी है जब मोदी जी ने कहा कि हम तीनों कानून वापस ले रहे हैं? देखो भाई साहब, मोदी जी जो बात ये है ना कि हमारे 822 शहीद हो गए, एक गांव बनता 800 में, और एक पूरा गांव पुलिस की लाठी का शिकार या गाड़ियों नीचे रगड़ के मार दिए जाते हैं, तो भाई एक आप सोच के देखो अपने घर से एक बंदा चला जावा है, खुद हम उस संघर्ष के साथी रहे हैं, हमारे साथ के साथी शहीद हो गए, तो वह देखो जो आज़ादी की लड़ाई थी वह हम जीत चुके हैं, और खुशी इस बात को कि हम उसका हिस्सा रहे, और मेरे गांव ने बड़ा ईमानदारी से देशभक्ति के साथ इस आंदोलन को मजबूत करने का कार्य किया, तो वह धन्यवाद सारे साथियों का। तो रही बात है दुष्यंत चौटाला की, तो ये तो भाई लड़ाई थी और किसान मजदूर ने जीत ली, ना किसी सरकार का इसमें कोई योगदान रहा और ना इसमें किसी और भाई मंत्री का रहा, क्योंकि ये सीधी टक्कर थी जेजेपी बीजेपी या सीधा सेंटर की कह लो बीजेपी के साथ, तो भाई टक्कर थी, हमने बलिदान कराया, समाज ने बलिदान कराया, लाठियां खाई, तो भाई वो जीत हुई हमारी। जो जीत हुई इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मेरे भाई जो हमारे किसान साथी 800 शहीद हुए हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने प्रयास, और वो जो किसानों पर केस दर्ज हो रहे हैं कि उसके लिए प्रयास करेंगे कि ये जितने केस हो सारे रद्द हो? देखो भाई साहब, 800 शहीदियाँ होगी और आज दुष्यंत चौटाला को उसारिया है या आज उसकी इतने चलने लगी कि मोदी जी साहब कानून रद्द कर दो, दुष्यंत चौटाला ने तो खुद ये कहा था कि मैं इन कानून का समर्थन करता हूँ, इसके पिताजी ने कहा था कि कानून कभी रद्द नहीं होते, संशोधन किया जा सकता है, तो मोदी जी ने वो कहते हैं ना कि बात नहीं करनी पड़ी भाई, घर बैठे ही इतनी मजबूर हो गया था वो, इतना मतलब उसका ऊपर प्रेशर हो गया था आंदोलन का कि उसने खुद सामने जनता का कहना पड़ा कि मैं यह कानून वापस लेता हूँ, ये किसान मजदूर की जीत है। दुष्यंत चौटाला 800 शहीदियों की बात देखा था गया, जिस टाइम पूरे 800 हो जाएंगे उसी टाइम में मतलब ये कानून में रद्द करवाऊंगा, कुछ नहीं भाई, ये श्रेय ये तो मतलब पॉपुलरिटी है श्रेय लेने की कोशिश है, और भाई सारे जो अंधभगत थे बहुत सारे भाई हैं, भाई कॉमेंट भी भाई लोगों ने सुनी भी हैं, गालियाँ भी खाई हैं भाई, लड़े भी हाँ, और रहेगी बात मुकदमे की, मुकदमे हमारा संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा, लग रहे हैं मुकदमे भाई बहुत सारे साथियों में लग रहे हैं हमारे भाई, संयुक्त मोर्चा जो आदेश ले हुआ उसी की जिम्मेदारी है ये मुकदमे रद्द करवाने की, अगर नहीं भी रद्द होंगे तो भाई खुशी होगी, साल छः भी ना उम्र भर अगर काट भी लेवेंगे ना तो इस हिंदुस्तान की भारत माता के लिए हम लड़ाई लड़ने में सक्षम होंगे। चलो ठीक है भाई, आंदोलन देखो भाई साहब, आंदोलन से पहले तो जीतने से पहले तो ये कह रहे थे कि ये शरारती तत्व हैं विपक्ष के लोग हैं, लेकिन जीतने के बाद कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए प्रयास किया था और जिससे कानून रद्द हो गए। भाई ये तो कह नहीं करे गिरे आदमी की केवल जो इन्हें पकड़ी जाओ है, इन्हें तो गिरा अपने की सारी वो कह नहीं करा, अपने सारी हद पार कर दी,
इनमें जमीर वाली तो कि बात नहीं मनस जिसमें जमीर हो ठीक ढाल की बात करे करें सब ने बेरा बा 800 किसान शहीद हो एक किसान ओड़े बैठे थे उनकी शहादत का फल है जो ये चीज़ वापसी हुई है नहीं इसमें तो इसका दुष्यंत का तो सहगुण से रह ले रहा है और पोस्ट डालना है बोलिया दुष्यंत के प्रयासों तो प्रयासों तो क्या होगी तो अपनी मीटिंग जो मंत्रियों गले दिखाए रखी है खुद का लालच खातर करण जाया करता जिस टीम मीटिंग करी उस टीम की मैनू आएगा थोड़ा डाले करता भाई मैं किसान खातर यहाँ पूछ का वहाँ पूछ का मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनको रद्द करवाने के लिए प्रयास करने कह रहे हैं तो आप क्या कहोगे ये तो लैले सरकार में अपना सिरिया लेना चाहे है ये पहले भी खालिस्तानी काय करता गल है काय करता नु काय करता भाई तो दारू पीले हैं रोर हैं निठल्ले हैं सही किसान तो ऐड है फिर ये किसान खेतर मुकदमे में क्यों अपनी आवाज़ उठावा है जे किसान ही नहीं है नहीं ये क्यों अपनी आवाज़ उठा रही है तो नू भी कहते बोले कानून वापिस नहीं हो सकते कानूना में तो संशोधन हो इसका है ये वो यहाँ पाछे ही अपने सिरे ले हुए हैं ये तो भाई डंगोसरा करें डंगोसरे डंगोसरा वाला आदमी तो यही चीज़ खिंडाया करो और कोई इसमें ज़्यादा नहीं और बात करें करसिंधु गांव की एक तरफा जीत हो दुष्यंत चौटाला की लेकिन कानून आए तब विरोध हो गया था अब कानून भी रद्द होने की बात चल रही है कि रद्द हो जाएंगे तो इसके बाद क्या दोबारा स्वागत करोगे दुष्यंत चौटाला का ना भाई गट जिसका घटियापन दिख जाए उसका केस स्वागत हो मामला तो इसकी अच्छाई तो देख कर देवीलाल का रूप देख कर वोट दिए थे मामला नू नहीं दिए थे भाई इतना घटिया लिकड़ा जो आदमी घटिया लिकट लिए उस तक वोट देने का के इस तक खराब अपना तो कराए रख लेंगे जो कोई मुद्दा ही नहीं देने का खड़िया पाओगे नहीं तो अपने वोट कराए रखने का फायदा इस तक वोट देने का कोई फायदा कोई नहीं क्योंकि इस तक गिरे अपना इसकी जो चमचा गिरी इसके वह लोग हैं जो सब किमें भी यू कह दू उसे ना पोस्ट करना वह सही है नहीं है ये जो किसान की बात तैर थी किसान मुद्दे थे और सारा किसान पर जुड़े हुआ है चाहे छोटा वर्ग हो चाहे कितना भी हो और ये भी इसका गल थी नहीं इस तो घटियापन ना धून में होंगे ना इसमें इस ज़्यादा होंगे माम धून ते भी किनारा करा हाँ भाई जो से इसका गल लै गए थे इस तो करना ही करना था हाँ हमने तो जे जे भी मैं रहा था मैं सारी उम्र तय गार्डन डाई सारे काम कर मैं धून ते भी बोलना और उठना बैठना बंद कर दिया इस तो करना ही करना था ये तो लग गए के है ये तो अड़ंगा है अड़ंगा मैं तो दोबारा जाऊंगा नहीं भाई दसिए दसिएगा ठीक है तो क्या क्या विकास करे है दुष्यंत चौटाला जी यहाँ से विधायक बने और उप मुख्यमंत्री हैं मारा काम तो क्यों देखा नहीं भाई विकास बने करसिंधु तो खास होता स्पेशल करसिंधु माया कर दे तय दिल तय जिताया खूब जोर लाया खर्चा करया है वोट मांगे है मेहनत करी है मेहनत का के फल मिले आपने बहुत बढ़िया फल मिले हमने रजवा चलता नहीं घर ठाली रहा कोई काम ही नहीं करना हमने जीरी मारी बिक दिन बैठ के दारू पिया दारू भी बेचा शायद दुष्यंत बाड़ी ने सुंडी खाए कि जो भी ठाली बैठे हाँ दारू पीवा हाँ दुष्यंत बेचा है और इस फल तो हमने के लाभ मिलेगा लस चोरन दे रहा हमने कट दिया गरीबा ने कौन लस दे चोरन दे रहा लस तो अब चोर करे की फसल है मैं बिक रही है हाँ एस पी बादरा तो 800 रुपया में फिर बादरा रुदा यह जीरी पड़ी है दो दो भी नहीं पड़ी है किसान की कोई नहीं पकड़ देंगे हल्का डिप्टी सीएम का ही स्कूल सरकारी हो गए सरकारी रजिस्ट्री कराया गया मारे बूढ़े तो गंजे हो गए सर डोडे हो गए लेंटर लाइन लग गया वह रजिस्ट्री कराया गया आगे ताले मार दिए और तो सर मैं कहा करता कि जो तो आंदोलन चलिया कि विपक्ष के लोग हैं शरारती तत्व है लेकिन ईब कह रहे हैं जब मोदी जी ने कहा कि हम कानून वापस लेते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत प्रयास करे हैं ये तो नाटक था बोला ये तो वापस होंगे नहीं संशोधन कराया जाओगा अजय चौटाला ने भी कहा था हाँ नहीं थी दुष्यंत ने बोला ये तो होंगे ही नहीं इसका बाप ने कहा इसने कहा इंदिर सतीफा भी रखा गोज में बोला ये वापिस नहीं होवेंगे ईब दे दो सतीफा वापिस हो गए तो मुख्य प्रधानमंत्री ने करे हैं और लठा किसान का जूं करें खुशी में तो पहले ही करते रहे एक साल तो दुखी हो रहे हमें रोडा पे पड़े हमारी लुगाई महिला पड़ी हमें पड़े हैं रोडा पे मारी इतनी भूडी बेचती रही एक साल से लठाई में करे है बगैर बंगाल वाला काम तारा गया लाडे यूपी में करें मारे मणस मारे कुछ ले गए एक्सीडेंट तो मारे मर गए हार्ट अटैक में मारे मर गए इतनी कदम आंसू नहीं पूछी किसी ने नहीं पूछा भाई बहुत माड़ी बात हुई बहुत गलती हुई ओडा भी इतना बढ़िया जवान मरिया है उन माँ को पूछो जिसके आंसू नहीं सूख रहे उन बहनों को पूछो जिसके बात मर गए उन मैडमा को पूछो जिसके पति मर गए ऑर्डर बच्चे हैं बाप मर गए उन तो पूछो आए थे तुम तो मिली है इसने क्या मिला है ये तो कसरत ले कौन दे गए थी सही नहीं सर इसका और जब प्रधानमंत्री इसका घर लुख माया को पूछना हमने बेरा भी नहीं तेजा फार्म चौटाला बन दिता नहीं और कड़ा बड़ा गई चंडीगढ़ पूछी कोठड़ी में इसकी में और दबाए रखे ये इसकी दादी ने भी कहा था मेरा खांदिया ना लागू मेरा के भला करागा जो इसकी खुद की दादी ने कहे थे मेरा खांदिया ना लागिए मर्जे दो आप बढ़िया ना दो मारा के भला करा जो खुद की दादी का नहीं भला करके दे रहे नहीं मारा के भला करागा यू
कानून तो रद्द हो गए क्या आपके जे जे पी और बीजेपी का बहिष्कार होगा? बहिष्कार सारी उम्र है हमारे लिए तो रोज का है। हाँ हमें कभी वोट नहीं डालेंगे ना इनका यूपी में चुनाव है। यूपी का चुनाव इनके नाश रगड़ेंगे जमा वहाँ भी आप विरोध करेंगे? विरोध सारा देश करेगा मैं नहीं करता सारा देश करेगा। विरोध कानूनों का था या सरकार का था? सरकार का था सरकार ने लाए कानून कानून आप पे आए नहीं कानून को रेल में बैठा रेल में तो बैठा था कानून हो जब आया है। एक मिनट मित्र ये विरोध तो था कानून का देख कानून गलत है तभी तो लड़े लेकिन सरकार ने इतने जख्म कर दिए भाई बस मारे मतलब सरकार गला खींच गई कानून MSP गारंटी बन जाएगी किसान घर भी आ जाएंगे फिर भी भाई 11 महीने 12 महीने हो गए एक साल लगभग आंदोलन में सक्रिय हाँ तो अभी नगे यूपी और लेकर आवाएंगे भाई नाश थोड़ा भी रगड़ेगा नुकसान तो करखा बीजेपी का है बिल्कुल माइका में जाऊँ बाइटा में जाऊँगे समाज से मिलेंगे जो इनके ये उत्सत कंडे हैं सारे बतावेंगे और यार रहेगी बात भी है भाई इन्हों को है नहीं है बोले दोस्तों चौटाला बोले सरे ले रहा है भाई तारीफ बात आएंगे एक साल हो गए जवाब दे देना हमने आप भी देखते हो गए थोड़ा ही कोई बात नहीं माइका बाइटा कम आवा क्यों भाई नए भाइया मौका देवा हाँ तो सारी इस बात जवाब देने लग गए हमें और किसान बेटा राजनीति सीख गया वह जो सारी बात समाज के हित की है वह तो लागू करांगे और जो ये ओछी राजनीति की बात है उनको भाई करारा जवाब दे चाहे जातिवाद की बात हो चाहे धर्म की बात हो धर्म के प्रोपगंडे भी चलाए जातिवाद भी चलाए खालिस्तानी चलाए लेकिन वह अच्छे तरीके से जवाब दिया और भी अच्छे तरीके से आगे आने वाला जवाब इलेक्शन में देवेंगे भाई यही मैंने बात थी मेरी तो ठीक है धन्यवाद भाई धन्यवाद। देखो भाई करसिंधु गांव के क्रांतिकारी युवा साथी थे और अपने ताऊ जी थे इनके विचार लिए साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके सोच विचार क्या आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वंदे मातरम।